ध्यान से सुनिएगा, इस बात पर ध्यान दीजिए। एक धनी व्यक्ति को परमेश्वर ने, प्रभु परमेश्वर ने कहा, अपने अगर उद्धार पाना चाहता है तो अपना धन कंगालों को बांट दे, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और वो व्यक्ति शर्मिंदा हुआ, सिर झुकाया और वो डिसीजन ना लेने के कारण वहां से वापस चला गया और फिर से अपने धन को कमाने लगा। परमेश्वर के कहने का मतलब ये नहीं था कि वो व्यक्ति अपना धन, अपना घर बार, अपने बंगला बेच दे और सारा पैसा दे दे, बल्कि परमेश्वर उसको ये कह रहे थे कि मुझे तेरा धन नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं तू अभिलाषाओं को छोड़कर मेरे पास आ जा, अपने अभिलाषाओं को त्याग दे और मेरे करीब आ जा। आज आप जब तक अभिलाषाओं को त्यागेंगे नहीं, आप परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते। अभिलाषाएं आपके रास्ते को बदल सकती हैं, अभिलाषाएं आपकी मंजिल को बदल सकती हैं, अभिलाषाएं आपके पिता को बदल सकती हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि वो हत्यारा है, आरंभ से झूठ बोलता है, सत्य उसमें है ही नहीं। लेकिन यदि आप यीशु को एक्सेप्ट करते हैं तो यीशु ऐसा नहीं, बल्कि यीशु का नेचर कैसा, उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मैं वो रास्ता हूं जिसके ऊपर अभिलाषाएं काम नहीं करती, मैं वो रास्ता हूं जिसके ऊपर तुम्हारा भविष्य उज्जवल दिखाई देगा, मैं वो रास्ता हूं जो तुम्हें स्वर्ग की ओर लेकर जाने वाला है। आमेन, प्रेज लॉर्ड। मोबाइल टीवी भी एक देवता है, हो सकता है जो मोबाइल चलाते हो सो आप उससे जी आजकल मुझे ही सुना रहे हैं। हम अपने घरों में जब कभी किसी से बात करते तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि ओ मुझे टारगेट किया जा रहा है। हम भी सोचते थे जब छोटे थे, लेकिन जब समय आएगा, जब हम सियाने हो जाएंगे, पौलुस ने कहा जब मैं छोटा था तो मैं बच्चों जैसी बातें करता था, मसीहत में छोटा था तो बच्चों जैसी बातें करता था, लेकिन जब सियाना हो गया तो मैं सियाने जैसी बातें करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें परमेश्वर की बातें समय आने पर समझ आती हैं, और तब हम, एक समय था मैं कहता था कि मैं फ़ोन के बिना नहीं रह सकता, एक समय है जो आपको मैं ही कह रहा हूँ कि फ़ोन से बड़ा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत से लोग डिब्बे के सामने बैठ जाते हैं, बहुत से लोग तो परमेश्वर के काम के लिए बैठते हैं, बहुत से लोग अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए बैठते हैं। डिब्बा चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, आजकल डिब्बे छोटे छोटे आ गए, पहले के समय में डिब्बे बड़े हुआ करते थे, आजकल तो छोटे छोटे डिब्बे हो गए, इतने इतने कहीं तो इतने भी हैं। अब आप सोचिएगा कि आप अपने डिब्बे का क्या करते हैं, आपके पास डब्बा है या डब्बी है, आप उस डब्बे का क्या करते हैं। यदि आप सही इस्तेमाल करते हैं तो आप हवा की तरह नाश नहीं होंगे, और अगर आप सही इस्तेमाल नहीं करते तो आप भी उसकी तरह फंस जाएंगे और आपको लोग कोसेंगे। हवा ने सही निर्णय ना लेने के कारण बहुतों को फंसाया, और ध्यान से सुनिएगा, आदम ने भी सही निर्णय ना लिया और बहुतों को फंसाया, और आगे सुनिएगा कैन और हाबिल। हाबिल ने सही निर्णय लिया और वो मर गया लेकिन स्वर्ग गया, लेकिन कैन ने सही निर्णय ना लिया और वो भी मर गया लेकिन वो नरक गया। आपके हाथ में आप कौन सा निर्णय लेते हैं, आपका एक निर्णय आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। हवा के एक निर्णय ने, एक डिसीजन ने उसकी पूरी लाइफ नहीं पूरी दुनिया खराब कर दी। किस किस को समझ आ, आज तक हव्वा का नाम बदनाम है, आदम का नाम बदनाम है, लेकिन एक और आदम आया, उसका नाम यीशु है, और उसने बाकी आदमियों के नाम चमका दिए। आमेन। यदि आपको समझ आया तो ऊंची आवाज में बोले हाँ यीशु ही है वो आदम। यर्मिया जी कहते हैं, यदि आप 21 अध्याय उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, मैं तुम्हारे जीवन का मार्ग हूं, मैं तुम्हारे सामने मृत्यु और मार्ग दोनों को रखता हूं, निर्णय करो कि तुम्हें किसकी ओर चलना है, मृत्यु की ओर चलना है या मार्ग की ओर। यदि तुम मार्ग की ओर जाते हो तो तुम जीवन पाओगे, यदि मृत्यु की ओर जाते हो तो तुम्हें नरक मिलेगा।
आज आप सोचिए आप किस तरीके के निर्णय लेते हैं। जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठकर आपको एक निर्णय लेना कि आप पहले मोबाइल को छेड़ेंगे या बाइबल को। जैसे आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आप मुंह धोते हैं और मुंह धोने के बाद आप कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आप पहले खाने की ओर बढ़ेंगे या बाइबल की ओर। आपको निर्णय लेना है। प्रेज द लॉर्ड। आप पहला समय किसको देंगे ये आपको सोचना है और आप किसको देते हैं ये आपको सोचना है। आज आपको सोचना है इस बात के लिए कि आप कौन सा निर्णय लेकर आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, यदि आपका निर्णय मेरे परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखी हुई इस बाइबल से मैच खाता है, आपका निर्णय आपका डिसीजन मैच खाता है, तो इस बाइबल के अंदर लिखे हुए सारे वायदे आपके लिए पूरे हो जाएंगे। आमीन बोलने से पहले सोच लीजिए आप क्या कह रहे हैं। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, यदि आपका मॉर्निंग का डिसीजन 365 दिन होते हैं एक साल में, 365 के 365 दिन यदि आप सुबह के समय में एक निर्णय लेते हैं जो बाइबल से मैच खाता है, तो बाइबल के अंदर लिखे हुए सारे प्रॉमिस आपके लिए पूरे हो जाएंगे। और यदि आप सही निर्णय नहीं लेते तो यह बाइबल आपके लिए बंद हो जाएगी और एक साइड में रख दी जाएगी और आपको आदम और हवा के द्वारा पैदा हुए श्रापों के अंदर जीवन व्यतीत करना होगा। अब आपके हाथ में है कि आप बाइबल अपने लिए खोलना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं। यदि आप खोलते हैं तो आप सही मार्ग पर हैं और यदि आप अपनी लाइफ में बंद कर देते हैं तो आप सोचिएगा कि आपका क्या होगा, आप खतरे में हैं। अपने जीवन को बचाएं और बचाते हुए आगे बढ़ें। मृत्यु का मार्ग बताता है आप कौन हैं, कौन से मार्ग के ऊपर आपको चलना है। यीशु ने कहा मार्ग मैं हूं, सदा का आनंद मैं दूंगा, सदा की शांति यीशु कहते हैं मैं ही हूं। यीशु कहते हैं मैं रास्ता हूं। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, यीशु कहते हैं सदा का आनंद मैं हूं, यीशु कहते हैं सदा की शांति मैं हूं और मैं ही दूंगा, यीशु कहते हैं मैं ही रास्ता हूं। आमेन। ही लगा हुआ है हर जगह पर, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही शांति हूं और मैं ही रास्ता हूं। यीशु कहते हैं अनंत जीवन भी मैं ही हूं, पापों की क्षमा यीशु कहते हैं मैं ही हूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु कहते हैं बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु कहते हैं मुकुट से पहले क्रूस है, आपको रास्ता चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको अनंत जीवन चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए, परंतु प्रभु यीशु कह रहे हैं बेटा स्वर्ग जाने से पहले, अनंत जीवन प्राप्त करने से पहले, रैप्चर में आपके उठाए जाने से पहले, परमेश्वर के आगमन को देखने से पहले आपको क्रूस का सामना करना होगा, आपको अभिलाषाओं को छोड़ना होगा, आपको अपना क्रूस उठाकर चलना होगा। और जब आप क्रूस उठाकर चलेंगे तो तकलीफों का सामना करना होगा, और जब आप तकलीफों का सामना करेंगे तो आपको बहुत से विचार प्रकट होंगे और वो विचार कहेंगे छोड़ना कहां चुट गया तू। अभिलाषाएं आपको परेशान करेंगी और आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी। परंतु ध्यान से सुनिएगा, एक निर्णय आपका, एक डिसीजन आपका आपके मरने के बाद भी आपके नाम को चमका सकता है। और अगर आपने गलत निर्णय लिया तो आपका वो गलत निर्णय आपको नहीं बहुतों को फंसा सकता है, लेकिन आपने सही निर्णय लिया तो आपको ही नहीं बहुतों को ब्लेस्ड कर सकता है। अब आप सोचिए
आप निर्णय केवल अपने लिए लेते। बाइबल के अंदर बहुत कुछ है। यीशु ने कहा अपने हित की चिंता मत करो। आज बहुत से लोग अपने हित की चिंता करते हैं। हव्वा ने अपने हित की चिंता की, शिमशोन ने अपने हित की चिंता की, दाऊद ने जहां अपने हित की चिंता की तो वह पाप में गिर गया, एली के बच्चों ने अपने हित की चिंता की और वो लुच्चे कहलाए, शामुल के बच्चों ने अपने हित की चिंता की और बाइबल के अंदर उनका नाम आज तक केवल लिखा गया कि वो उसके बच्चे हैं, लेकिन उनकी तारीफ का कोई जिक्र नहीं है। अकविला प्रस्किला का जिक्र किया गया पर उनके बच्चों का कोई जिक्र नहीं है बाइबल में। एस्तर का जिक्र किया गया हां या ना, लेकिन उसके हस्बैंड का कोई जिक्र नहीं है, उसकी मैरिज लाइफ का कोई जिक्र नहीं है। मूसा का जिक्र किया गया हां या ना, लेकिन उसकी पत्नी का कोई जिक्र नहीं है। पत्नी का केवल नाम बताया गया और कुछ भी नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि आप चाहते हैं आपके मरने के बाद भी आपका जिक्र किया जाए तो निर्णय लीजिए, सही डिसीजन लीजिए। हो सकता है आज आप सुन रहे जो व्यक्ति हैं, आप चर्च के लीडर हो, पास्टर हो, अपोस्टल हो, प्रॉफिट हो सकता है कोई टीचर हो, छिप कर सुन रहा हो और वो किसी को दिखाना नहीं चाहता। बहुत से प्रॉफिट भी ऐसे हैं, बहुत से अपोस्टल भी ऐसे हैं, बहुत से पास्टर भी ऐसे हैं जो किसी को बताना नहीं चाहते कि मैं विनोद पुरुषिया को सुनता हूं, लेकिन छिप कर वो सुनते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको इनविटेशन देना चाहता हूँ। आप विनोद प्रोचिया को नहीं सुनते, आप विनोद प्रोचिया में से निकलने वाली बाइबल को सुनते हैं। फिर शर्म किस बात की, फिर काहे की शर्म। बाइबल आपके पास है, बाइबल मेरे पास है। ध्यान से सुनिएगा, मैं भी बहुत से सेवकों को सुनता हूं, लेकिन उसको सुनता हूं जिसमें से केवल बाइबल निकलती है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अनंत जीवन प्राप्त करने से पहले क्रूस है, अपना क्रूस उठाएं। प्रभु यीशु, मैं भी आपके पीछे चलना चाहता हूं। प्रभु, आपके पीछे चलना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता अपने आप का इनकार कर, अपनी अभिलाषाओं का इनकार करे, तब तुम मेरे पीछे आ सकते हो। प्रभु यीशु, मैं आपका इनकार नहीं करूंगा। प्रभु यीशु ने कहा स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मुर्गे के वांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। ओ अच्छा, ओ प्रभु, ये क्या आपने अनाउंसमेंट कर दी यार, मेरे अंदर क्या था मैंने बाहर निकाला था। प्रभु यीशु ने कहा मैंने देख लिया था तेरे अंदर क्या था, इसलिए मैंने अपने अंदर का तेरे लिए निकाल दिया। आपके अंदर सही निर्णय होगा तो बाहर भी सही निर्णय दिखाई देगा। अभिलाषाएं दिमाग से पैदा होती है, क्रूस को उठाने की इच्छा अंदर से पैदा होती है, क्रूस को उठाने की अभिलाषा आंतरिक मनुष्यत्व जिसका मजबूत होगा वो आगे बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, इस बात से खुश ना होना कि विनोद पुरुषिया की उम्र लंबी, वाओ प्रेज द लॉर्ड, वो कम भी हो सकती है, क्योंकि आप और मैं नहीं जानते कि हम कब तक जीवित रहेंगे, लेकिन वो जानता है जिसने हमें बनाया है कि हम कब तक जीवित रहेंगे। बाइबल कहती है कल के दिन पर मत फूलना, मत घमंड करना, क्योंकि तू नहीं जानता कल क्या होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और याद रखिए, अगर आपको लगता है विनोद प्रोचिया के संबंध परमेश्वर के साथ ज्यादा है तो ये तो सब कुछ जानते होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, यीशु भी सब कुछ जानते थे, लेकिन यीशु ने अपने चेलों को सब कुछ नहीं बताया। पिता यीशु को उतना ही बताते थे जितना नीड थी, आमेन, जितनी जरूरत थी। इसलिए मुझे भी उतना ही परमेश्वर बताते हैं जिसकी जरूरत है, उसे एक्स्ट्रा नहीं। मैं अपने आप को फेमस नहीं करना चाहता, मैं अपने आप को पॉपुलर नहीं करना चाहता। अगर पॉपुलर करना चाहता तो मेरे ख्याल से मैं भी यूट्यूब पर पैसा लगाता, मैं भी अपनी वीडियोज को वायरल करने के लिए कुछ ना कुछ करता। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको बोल देना चाहता हूं, मैं केवल जिस भी आत्मा के लिए जाना चाहता हूं, जिस भी व्यक्ति तक पहुंचना चाहता हूं, जिस किसी के भी दिल तक पहुंचना चाहता हूं, केवल और केवल बाइबल और यीशु के जरिए पहुंचना चाहता हूं। मेरी दौड़
कंपटीशन नहीं है, मेरी दौड़ युद्ध है, और वो शैतान के साथ जिसका नाम लूसीफर है। आमीन।